दोस्तों ईशान खट्टर मृणाल ठाकुर स्टारर पिप्पा फिल्म अमेजन प्राइम प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है। जी हाँ, फिल्म देशभक्ति के जज्बे के साथ वॉर जोन PT-75 टैंक एक परिवार और रिफ्यूजियों की जिंदगी के दर्द को दिखाने का दावा करती है। लेकिन फिल्म इस स्टोरी लाइन पर कितनी खरी उतरी है, आज हम आपको बताते हैं हमारे इस रिव्यू में। जी हाँ, नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गॉसिप अली गैलरी में। ईस्ट पाकिस्तान से कैसे बांग्लादेश बना, कैसे बंटवारे के बाद बांग्लादेशियों पर जुल्म किए गए, कैसे उन्हें अपनी जान बचाने के लिए शरण लेने भारत आना पड़ा, भारत ने कैसे एक दूसरे देश की आजादी के लिए अपने सैनिकों को तैनात किया, भारत न सिर्फ अपना बल्कि अपने पड़ोसी देशों का कितना ख्याल रखता है, ये सब इस फिल्म में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इसी के साथ कहानी है एक ऐसे परिवार की जहां देशभक्ति के जज्बे में डूबे हुए हैं, देश के लिए कुछ भी करने को तैयार बैठे हैं। ब्रिगेडियर बलराम सिंह, मेजर राम मेहता, बहन राधा मेहता, तीनों भाई बहन जिनकी माँ का रोल, माती का रोल निभाया है सोनी राजदान ने। शहीद के पिता के कदमों पर चलते हुए दोनों बेटों ने फौज ज्वाइन की, लेकिन मेजर राम जितने उसूलों और आदर्श वाले, बलराम उतने ही ज्यादा जिद्दी। देश को समर्पित होने का जज्बा तो रखते ही हैं, लेकिन किसी निर्देश या अथॉरिटी के बीच और उनकी बातों को इनकार भी करते हैं। दोनों भाइयों के बीच की दूरी का मसला भी लगभग यही है। वहीं बहन एक खुफिया एजेंसी से जुड़ी है जो बाहर हो रही गतिविधियों पर नजर रखती है। परिवार और रिश्तों के उधेड़बुन के साथ एक महत्वपूर्ण कहानी है, वो है PT-75 टैंक की, जो भारत का एक ऐसा टैंक जो पानी में भी ऐसे तैरता था जैसे घी का डब्बा, यानी पंजाबी भाषा में कहे जाने वाला शब्द पिप्पा। इस जंग को लीड करने का जिम्मा कैप्टन बलराम सिंह मेहता को मिलता है, जो भारत की 75 कैवलरी रेजिमेंट का हिस्सा था। उनके सीनियर्स के जंग के दौरान शहीद हो जाने पर कैप्टन बलराम ने इस जंग का नेतृत्व किया। वैसे इस फिल्म की बात करें, पिप्पा बिना किसी ड्रामाबाजी के मुझे लगता है कहानी को कहती है, जिसका दर्द दिखाती है। इस जंग में अपनी जान की आहुति दे गए थे, भारत के इस जज्बे को दिखाती है जो सिर्फ चुप नहीं बैठता बल्कि अपने दुश्मन को जवाब देना भी जानता है, लेकिन अपने तरीके से। फ्रंट पर ना भेजे जाने से फौजी को जो दर्द होता है, उस दर्द को आप फील कर पाएंगे इस फिल्म में। यहाँ कोई लव स्टोरी नहीं, लेकिन थोड़ी सी अटखेलियां जरूर हैं। जंग पर सवाल उठते हैं तो उन सवालों का जवाब भी मिलता है। तो इन सारी चीजों से लबरेज ये फिल्म को एक बार जरूर देखेगा। और हाँ, देशभक्ति के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, हमारे कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखिएगा। आज की हमारी वीडियो में इतना ही। आगे की जानकारी के लिए लगातार सुनते रहिए और देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल गॉसिप अली गैलरी। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।